प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है? बुलाए थे एक अभिनेता को, जानते हैं क्या सवाल पूछा है प्रधानमंत्री जी से? आम कैसे खाते हैं? भकोस लेते हैं। कैसे खाते हैं ये सवाल होता है कि आम कैसे खाते हैं? आप पूछिए सरकार से कि सरकार बहस चाहती है। सरकार अगर बहस चाहती है तो प्रधानमंत्री संसद से क्यों गायब रहते हैं? चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया? जासूसी आज के डेट में इनकी जरूरत कम और आदत ज्यादा बन गई है। आज से जासूसी कर रहे हैं। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों की जासूसी किया करते थे। जब गुजरात में थे तो एक महिला की जासूसी किया करते थे। आज दिल्ली में बैठे हैं तो सरकार का, जज का, मीडिया का और वो तमाम लोग जो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं उनकी जासूसी करा रहे हैं। तो पहले भी कई सत्र हुए हैं और उस सत्र में हमने क्या देखा है कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री कम और भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, वो संसद में कम और भाजपा की रैलियों में ज्यादा होते हैं। हमने कहा कि खुली आंख से भी सपना देखा जाता है। खुली आंख से सपना देखा जाता है समाज के लिए और आंख बंद करके सपना देखा जाता है अपने लिए। हम खुली आंख से सपने देखने वाले लोग हैं जो पूरे समाज के लिए सपना देखते हैं। कुछ प्रश्न उत्तर भी लिए जाएंगे क्योंकि संसद का तो मतलब यही होता है कि सिर्फ मन की बात नहीं हो, सबकी बात हो। जहां पर आए हैं बढ़िया जो है स्नो पाउडर लगा करके, दाढ़ी में ब्लीचिंग करवा करके और अगल बगल जो है लोग खड़ा करके मीडिया के सामने आए और अपना मोनोलॉग दे करके चले गए। आप में से बहुत सारे लोग प्यार का पंचनामा देखे होंगे, यही है ना प्यार का पंचनामा? तो डायलॉग मारता है अकेले लड़का लड़की के बारे में जिसमें लड़की है ही नहीं वहां पे मौजूद। तो मोनोलॉग नहीं होगा, डायलॉग होगा। संसद होने का यही मतलब होता है। हालांकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, इससे पहले भी कई सत्र हुए हैं और उस सत्र में हमने क्या देखा है कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री कम और भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, वो संसद में कम और भाजपा की रैलियों में ज्यादा होते हैं। जितना दिन वो पार्लियामेंट में रहे हैं उससे ज्यादा दिन वो विदेश में घूमे हैं। तो जब प्रधानमंत्री ही संसद में मौजूद नहीं हो, जब सरकार के मुखिया ही संसद में मौजूद नहीं हो, तो संसद में कितनी सकारात्मक बहस के लिए सरकार तैयार है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकतंत्र कभी भी एक तरफा नहीं होता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष के सवाल होते हैं, सरकार के जवाब होते हैं। लेकिन पिछले आप लगातार कई सत्रों में ये देखो होंगे कि टीवी न्यूज चैनल वाले लिखते हैं, दिखाते हैं कि इस बार का सत्र भी हंगामे के भेंट चढ़ने के आसार। विपक्ष कर सकता है कई मुद्दों पर हंगामा। उन मीडिया के दोस्तों से एक बात कहना चाहते हैं, हम विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देश की जनता के जो सवाल हैं उस पर सरकार की जवाबदेही चाहते हैं। सरकार जो वादे कर करके चुनकर आई उस पर सरकार की कार्रवाई का रिपोर्ट चाहते हैं। सरकार बहस नहीं चाहती है, लेकिन पता नहीं किस प्रेम में या किस डर में आप सरकार से सवाल पूछने की बजाय संसद की जो कार्रवाई नहीं होती है उसके लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराते हैं। आप खुद बताइए, क्या आपको
प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है? बुलाए थे एक अभिनेता को, जानते हैं क्या सवाल पूछा है प्रधानमंत्री जी से? आम कैसे खाते हैं? भकोस लेते हैं। कैसे खाते हैं ये सवाल होता है कि आम कैसे खाते हैं? ये प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा? नहाते कैसे हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं, नहाने के बाद डिओड्रेंट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, दाढ़ी में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ये प्रश्न होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आप पूछिए सरकार से कि सरकार बहस चाहती है? सरकार अगर बहस चाहती है तो प्रधानमंत्री संसद से क्यों गायब रहते हैं? सरकार अगर बहस चाहती है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं? और इस देश के लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को, उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों नहीं सरकार से पूछा जा रहा है? अरे हमारा छोड़ दीजिए, हम लोग का क्या है, हम लोग विपक्ष में हैं। हमारी तो हालत यह है कि मीडिया भी हमी से सवाल पूछ रही है, वोटर भी हमी से सवाल पूछ रहा है, और सरकार भी जो है, जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको पकड़ पकड़ करके अपनी पुलिस से थाने में सवाल बैठा के पूछवा रही है। हमारा क्या है? लेकिन आप पूछिए ये सवाल, किसके लिए, किसके कहने पर इस देश के लोगों की जासूसी की गई? किसके कहने पर जज की जासूसी की गई? किसके कहने पर, अरे छोड़ दीजिए हमारा, अपने ही मंत्रियों की इन्होंने जासूसी करवाई। और एक बात मैं बता दूं, एक कहावत है, चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया। जासूसी आज के डेट में इनकी जरूरत कम और आदत ज्यादा बन गई है। आज से जासूसी कर रहे हैं। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों की जासूसी किया करते थे, जब गुजरात में थे तो एक महिला की जासूसी किया करते थे, आज दिल्ली में बैठे हैं तो सरकार का, जज का, मीडिया का और वो तमाम लोग जो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं उनकी जासूसी करा रहे हैं। करा लीजिए ना, अरे डर थोड़ी लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुप सकता है। हमको जरूरत नहीं है कोई चीज छुपाने की। कौन कहता है, कौन कहता है कि झूठ मेहनत नहीं करता? देख लीजिए, गोडसे को सही साबित करने के लिए बार बार गोडसे के भक्त को गांधी के सामने झुकना पड़ता है। आप देखिए हकीकत को, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, लेकिन आप बताइए कि जरूरत क्या है, क्या जरूरत है? क्या सरकार ने, भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में यह लिखा था कि अब की बार जब 300 पार होंगे तो आपके मोबाइल के भी आर पार रहेंगे, आपके बेडरूम में भी घुस जाएंगे, आपके फ्रिज में घुस करके बैठ जाएंगे, ऐसा कहा था क्या? कौन मुद्दों को भटका रहा है? मैं अपने मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं, हम मुद्दा नहीं भटकाते हैं। बार बार ये टैग नहीं चलाइए कि विपक्ष इस बार भी कर सकता है हंगामा। दुष्यंत कुमार ने एक बात कही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा नहीं कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? लोग कहते हैं कि आप रेस में नहीं हैं। रेस में हम नहीं हैं, रेस में हम रहना भी नहीं चाहते हैं। भेड़ है कि रेस में रहेंगे, इंसान हैं, सोच सकते हैं, अपने हक के बारे में, अपने लोगों की उम्मीद के बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में, देश के बारे में, भविष्य के बारे में। कल प्रचार जीवी जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि सपना तो वही देखते हैं ना जो सोते रहते हैं। हमने कहा
कि खुली आंख से भी सपना देखा जाता है। खुली आंख से सपना देखा जाता है समाज के लिए, और आंख बंद करके सपना देखा जाता है अपने लिए। हम खुली आंख से सपने देखने वाले लोग हैं जो पूरे समाज के लिए सपना देखते हैं।